में दीगर शोबों की तरह मेडिकल के शोबे में भी पाकिस्तानी सबसे आगे हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, जिन्होंने चीन में आला तालीम हासिल की और उसके बाद फ्रांस तशरीफ ले आए, यहाँ की जदीद टेक्नोलॉजी से उन्होंने इस्तेफादा हासिल किया और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में मसरूफ हैं। इनसे पूछते हैं कि उन्हें इस सफर में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उनका आगे का मुस्तकबिल क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज। जी डॉक्टर शहबाज, आप हमें बताइएगा कि आपने ये सफर कैसे शुरू किया और अपने बारे में बताएं कि आपकी तालीम और सर्जरी में कहाँ तक आपकी पोजीशन वाजे हुई। जी, मैं 2006 में चाइना गया, वहाँ से मैंने MBBS और मास्टर डिग्री हासिल की। 2016 के अवाइल में मैं फ्रांस आ गया, जहाँ पे मैं अभी IRCAD फ्रांस, जो कि दुनिया में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, हर साल यहाँ पे 5000 से ज़्यादा सर्जन ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वहाँ आकर मैंने फेलोशिप स्टार्ट की। और मुझे ये बहुत ज़्यादा फख्र महसूस होता है कि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो यहाँ पर ये ट्रेनिंग हासिल कर रहा हूँ। दुनिया में हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो मुस्तकबिल में कोई ऐसा काम करे जिससे उसके मुल्क का नाम रोशन हो। हम डॉक्टर मोहम्मद शहबाज से पूछते हैं कि उनका मुस्तकबिल में क्या प्लान है। जी डॉक्टर साहब, हमें बताइएगा कि आपका मुस्तकबिल में क्या प्लान है और आप आगे क्या करना चाहते हैं। जी शाहजेब, मेरी अभी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी में IRCAD में दुनिया के टॉप तरीन सर्जन की जेर निगरानी मेरी ट्रेनिंग जारी है। ये मेरी ट्रेनिंग अगस्त के एंड में ख़त्म होगी, इसके बाद मैं चाइना वापस जाऊंगा। वहां पे मैं PhD मुकम्मल करने के बाद ये मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं पाकिस्तान जाऊं और पाकिस्तान में जितने भी सर्जन्स हैं उनको ट्रेनिंग दे सकूं। मुझे ये बड़ी खुशी होती है जब मेरे नाम के साथ पाकिस्तान का झंडा लगता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात होती है। हमें ये बताइए कि IRCAD है क्या, क्या वजह है कि दुनिया भर से सर्जन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आके ही ट्रेनिंग लेते हैं, इसके अलावा कौन कोई और मुल्क नहीं है जहाँ पर इस तरह के इंस्टीट्यूट हो? IRCAD की एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पर दुनिया भर से 800 प्रोफेसर्स और मायानाज डॉक्टर सर्जन जो कि अपनी फील्ड में टॉप क्लास है वो आते हैं, उनकी जेर निगरानी दुनिया भर के डॉक्टरों की ट्रेनिंग होती है यहाँ पर। ना सिर्फ ट्रेनिंग होती है बल्कि रिसर्च की फील्ड में और इमेज गाइडेड सर्जरी जो उसको यूज करते हुए ये सर्जरी की ट्रेनिंग देते हैं, तो इस वजह से पूरी दुनिया से IRCAD में लोग ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आते हैं। ना सिर्फ डाइजेस्टिव सर्जरी बल्कि पीडियाट्रिक सर्जरी, गायनेकोलॉजी सर्जरी और थोरेसिक सर्जरी में इनकी ट्रेनिंग होती है। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि इस तरह के इंस्टीट्यूट की पाकिस्तान को जरूरत है और हुकूमत पाकिस्तान इसके लिए कुछ कर सकती है या नहीं? जी शाहजेब, पाकिस्तान के डॉक्टर दुनिया भर में अपने टैलेंट की वजह से पहचाने जाते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि इस तरह के इदारे पाकिस्तान में बने ताकि पाकिस्तानी सर्जन इस तरह की ट्रेनिंग हासिल कर सकें, और मेरी ये हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो रोबोटिक सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी सर्जन्स को IRCAD फ्रांस भेजें ताकि पाकिस्तानी सर्जन्स यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करें और वापस पाकिस्तान जाकर अपनी खिदमात पाकिस्तानी पेशेंट्स को, पाकिस्तानी मरीजों को पेश कर सकें। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर मोहम्मद शहबाज की बातें सुनी, उन्होंने हमें अपने मिशन और मुस्तबिल के प्लान के हवाले से आगाह किया। उनका ये भी कहना था कि अगर पाकिस्तान में इस तरह के इंस्टीट्यूट बनते हैं तो उससे ना सिर्फ हमारे सर्जन्स को बल्कि नौजवान नस्ल को भी फायदा पहुंचेगा। सैयद शाहज़ेब अरशद, स्ट्रासबर्ग, फ्रांस।